नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। जनता दरबार की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। राजस्थान में अपनों की ही नाराजगी का शिकार भारतीय जनता पार्टी और अति आत्मविश्वास में चुनाव लड़ रही कांग्रेस का सियासी गणित इस बार और भी ज्यादा बिगड़ता नजर आ रहा है। यहां तीसरा मोर्चा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने को बेताब है और सबसे ज्यादा इस बार नुकसान पहुंचाने वाले दलों में प्रमुख है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जिसे शॉर्ट में RLP कहते हैं। RLP के संयोजक हरमान बेनीवाल ने इस बार पूरी 200 विधानसभा सीटों से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM भी चुनावी मैदान में खेला बिगाड़ने के लिए तैयार है, जो मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण कर कांग्रेस को मुश्किल में डाल सकती है। आइए सबसे पहले जानते हैं राजस्थान में तीसरे मोर्चे का आखिर इतिहास रहा क्या है। यूं तो राजस्थान के सियासी इतिहास को देखें तो यहां सिर्फ कांग्रेस और भाजपा दो ही प्रमुख दलों का दबदबा रहा है। हालांकि पिछले 60 सालों से यहां कई राजनीतिक दलों ने तीसरे मोर्चे के तौर पर खुद को साबित करने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिल सकी। स्वतंत्र पार्टी, राम राज्य पार्टी, कांग्रेस आई, कांग्रेस यू, जनता पार्टी, जनता पार्टी जेपी, जनता पार्टी सेक्युलर, लोकदल, CPI, CPM, बसपा, लोजपा, BTP जैसे कई अपंजीकृत राजनीतिक दल यहाँ चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अलग अलग दलों का अपना वोट बैंक भी यहाँ रहा, लेकिन प्रदेश स्तर पर जीत दर्ज नहीं कर सके। 1980 के विधानसभा चुनावों के बाद से यहाँ कभी भाजपा तो कभी कांग्रेस की सरकारें बनती रही हैं। इस दरमियान बसपा, CPM, RLP जैसे दलों ने एक सीमित वोट बैंक के जरिए अपनी मौजूदगी बरकरार रखी थी। साल 1998 से अब तक यानी पिछले 25 सालों में राजस्थान में सिर्फ दो ही मुख्यमंत्री बन पाए, इनमें एक अशोक गहलोत है तो दूसरी वसुंधरा राजे। राजे दो बार, गहलोत 3 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और 4थी बार सत्ता पर काबिज होने के लिए ताल ठोक रहे हैं। लेकिन इस बार ताल ठोकने वालों में तीसरे मोर्चे के कुछ दल भी शामिल हैं जो राह में रोड़ा अटका सकते हैं। अगर बात करें हनुमान बेनीवाल की पार्टी RLP की, तो 5 साल पहले बनी इस पार्टी ने 2018 के अपने पहले ही चुनाव में 58 प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतारे और 3 प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी। यही नहीं, इन चुनावों में आधा दर्जन सीटों पर RLP के प्रत्याशियों ने कांग्रेस और BJP के प्रत्याशियों को सीधी टक्कर भी दी थी। RLP का कुल मतदान 3% रहा था। यहां से RLP ने एक नई पहचान बनाई। पार्टी के संयोजक हनुमान बेनीवाल का दावा है कि इस बार उनकी पार्टी पूरे 200 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बेनीवाल ने यह भी कहा है कि इस बार तीसरे मोर्चे के सहयोग के बिना किसी भी पार्टी की सरकार नहीं बन पाएगी। इसके अलावा मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने साल 2008 और साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 6-6 सीटें जीती, लेकिन दोनों ही बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकारें बनी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बने, दोनों ही बार बसपा के टिकट पर जीते सभी विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि इन विधायकों के पार्टी छोड़ने का मामला कोर्ट में चलता रहा, लेकिन सरकारें अपना कार्यकाल पूरी करती रहीं। इस बार बसपा के साथ आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM 2 दर्जन सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी। माना जा रहा है कि AIMIM के चुनाव मैदान उतरने से मुस्लिम वोट डाइवर्ट होंगे पूरी तरह, जिसका बड़ा खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ सकता है। इस बार के राजस्थान विधानसभा चुनाव में सभी की निगाहें फिलहाल तो हनुमान बेनीवाल पर टिकी हैं। BJP और कांग्रेस इन दोनों की नाक में दम करने का काम अगर किसी राजनीतिक पार्टी ने किया है तो वह है हनुमान बेनीवाल की पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। इसको लेकर बेनीवाल को राजस्थान का हनुमान भी कहा जाता है। बेनीवाल इस बार कांग्रेस और भाजपा में किसी भी दल को चुनावों में सहयोग नहीं देने का ऐलान पहले ही कर चुके हैं। RLP ने राजस्थान की सियासत में हलचल मचा रखी है। RLP के प्रमुख नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल अपने तेज तर्रार और विवादित बयानों के कारण काफी सुर्खियों में रहते हैं। बेनीवाल इस चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को व्यापक स्तर पर राजस्थान में खड़ा करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने इस चुनाव में 200 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने के लिए ताल ठोक दी है। इसको लेकर सियासत में जमकर हल्ला मचा हुआ है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि बेनीवाल राजस्थान की राजनीति को कितना प्रभावित कर पाए। तो बता दें कि सांसद बेनीवाल काफी समय से कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों को जमकर आड़े हाथों लेते आए हैं, चाहे सदन के बाहर हो चाहे सदन के अंदर। अपने चुनावी सभा में उन्होंने गहलोत और वसुंधरा को की मिली भगत को लेकर कई आरोप लगाए हैं। बेनीवाल इस बार अपनी पार्टी से राजस्थान की सभी सीटों में उम्मीदवारों को उतारने के जो प्लान बना रहे हैं उसकी रणनीति क्या है, ये आगे देखने की बात होगी। अपनी पार्टी को फिलहाल वो तीसरे मोर्चे के विकल्प के रूप में दावा कर रहे हैं कि तीसरा विकल्प बनेगा और इस बार सक्रिय भी पूरी तरह नजर आ रहे हैं। इसको लेकर उनका चुनावी कैंपेन सत्ता परिवर्तन संकल्प यात्रा इन दिनों सुर्खियों में रहा है। बेनीवाल ने यह यात्रा 1 महीने पहले ही सालासर बालाजी के स्थान से शुरू की थी और इस यात्रा से सियासत में हलचल मची हुई है। यह यात्रा करीब 1 दर्जन जिलों में अपना कैंपेन कर चुकी है।
एक माह पहले रवाना हुई इनकी परिवर्तन यात्रा राजस्थान के दौसा, सीकर, चूरू, डीडवाना, कुचामन, नागर, पाली, जयपुर, सुजानगढ़, मकराना समेत कई इलाकों में अपना कैंपेन कर चुकी है, जहां बेनीवाल की सभा में लोगों का काफी उत्साह देखने को भी मिल रहा है। इस कैंपेन से दोनों ही दलों में हलचल मची हुई है और टेंशन का माहौल है। इसके अलावा बेनीवाल के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के गढ़ टोंक पर भी नजर बनी हुई है, जहां से भी वो अपने जो उम्मीदवार उतारने को लेकर एक जनसभा में ऐलान कर चुके हैं और ये मुश्किल हो सकता है। बता दें कि सांसद बेनीवाल अपनी आरएलपी पार्टी से 2019 में नागौर के सांसद भी चुने गए थे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के साथ गठबंधन भी किया था, लेकिन किसानों के आंदोलन के दौरान उन्होंने बीजेपी से अपना गठबंधन तोड़ दिया था। इसके बाद से बेनीवाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रबल आलोचक बने हुए हैं। इससे पहले सांसद बेनीवाल 2008 में बीजेपी के टिकट से तुमसर विधानसभा से विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन कई मुद्दों पर वसुंधरा से असहमति जताते हुए उन्होंने भाजपा छोड़ दी थी। इसके बाद बेनीवाल 2013 में निर्दलीय विधायक बने थे। तो आरएलपी के हनुमान बेनीवाल ने फिलहाल कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों की नींद उड़ा रखी है। पूरे दमखम के साथ बेनीवाल पूरे राजस्थान की 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने के कई मंचों से दावा कर चुके हैं। संभवतः कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दल बेनीवाल से हाथ मिलाकर इस चुनावी व्याकरण को पार करने का विकल्प भी साथ लेकर चल रहे होंगे। हालांकि बेनीवाल के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, आप और बसपा जैसे दल भी इस चुनावी महासभा में कूदने का ऐलान कर चुके हैं। चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए।